नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा नेक लाइन का डिजाइन लेकर के आया हूँ। ये डिजाइन जो हम तैयार करेंगे, पैच वर्क के साथ तैयार करेंगे और लेस के साथ तैयार करेंगे। पूरा फ्रंट किस तरीके से डेकोरेट करते हैं, आज इस वीडियो में आप ये देखोगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सबसे पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक पैच लिया हुआ है बोट नेक के हिसाब से। ये बोट नेक वाला पैच होता है, मार्केट में ये 100 से 120 रुपए में मिल जाता है। और इसी के साथ मैच करती हुई मैंने यहाँ पे ये लेस ली हुई है। ये लेस ली हुई है हमने 5 रुपए मीटर वाली। ये भी हमारी 5 मीटर लेस है जो कि हम पूरे फ्रंट में डेकोरेट करते हुए बहुत सुंदर सा यहाँ पे डिजाइन आपको बना करके दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बोट नेक के हिसाब से जो हमारा पैच होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें नेक लाइन कटिंग करनी होती है। गला कटिंग करने के लिए हमने पेपर पेस्टिंग ली हुई है। पेपर फ्यूज में से हम यहाँ पे नेक लाइन कटिंग करेंगे। इस पेपर फ्यूज को इस तरीके से डबल करते हैं, फिर इस तरीके से डबल करते हैं ताकि हमारे दोनों नेक इकट्ठे कटिंग हो जाए, फ्रंट और बैक के। अब जो हमारे पास पैच है ये, इस पैच को हम इस तरीके से करेंगे, पहले अच्छे से मिला लेंगे, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए, आपने ध्यान रखना है। और फिर इसको इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे। अब इसकी प्रॉपर गोलाई यहाँ पे हमें चेक करनी होती है कि यहाँ पे कोई फर्क ना आए, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। आधा इंच ऊपर की साइड मार्जिन का रखेंगे, जो शोल्डर में मार्जिन होता है यहाँ पे, तो ये मार्जिन हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे कटिंग करना होता है। अब हम एक एक पैर इसको अंदर की साइड ले लेते हैं ऐसे, ताकि इसमें बाहर की साइड कपड़ा ना नजर आए। इस तरीके से इसको ब्रॉड कर लेंगे और टेप भी कर लेंगे। अब बाहर की साइड एक इस तरीके से निशान लगाते हैं। ये निशान भी हमें थोड़ा चौड़ा ही लगाना होगा यहाँ पे, जिससे कि प्रॉपर शेप में हमारा यहाँ पे ये फिक्स आ जाए, ये हिले ना। जब हम इधर और इधर सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पे हम पूरा उसी हिसाब से इसको चौड़ाई में कटिंग करते हैं। अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी होगी। बोट नेक दोस्तों हमने दोनों यहां पे कटिंग कर लिए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, यहां पे इस तरीके से नेक लाइन रखते हुए चेक करेंगे कहीं पे कोई फर्क ना आए, तो ये इस तरीके से आएगा इसको फैलाते हुए यहां पे। अब ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम कटिंग कर लेंगे, यहां पे दोनों साइड से इस तरीके से कटिंग करेंगे, क्योंकि हर चीज आपको चेक करनी होती है, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से अब ये बिल्कुल हमारा प्रॉपर शेप में आएगा, थोड़ा जो एक्स्ट्रा था वो हमने काट दिया है। अब दोस्तों जो हमने बोट नेक ये यहाँ पे कटिंग किए हैं, फ्रंट और बैक के सेम है ये हमारे, इनको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों गले अपने अच्छे से पेस्ट कर लिए हैं। अब ये दोनों गले तो हम अलग रख लेते हैं। अब हम फ्रंट का डिजाइन देखते हैं कैसे हमें लेस के साथ तैयार करना है। तो यहां पे हम बैक साइड को भी अलग करेंगे और फ्रंट को इस तरीके से ओपन करेंगे। सीधी साइड हम ऊपर की साइड रखेंगे। अब एक निशान लगाएंगे हम, यहां पे जो हम निशान लगाएंगे तकरीबन 3.5 इंच का लगाएंगे सेंटर पॉइंट से, 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इस साइड में। ये निशान हम पूरे फ्रंट पे इसी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जो सेंटर होता है 3.5 इंच इस साइड लेंगे और 3.5 इंच इस साइड, मतलब टोटल 7 इंच रखेंगे बीच का सेंटर वाला गैप, और यहाँ पे निशानों को ऐसे एक दूसरे से जोड़ेंगे।
इस पॉइंट पे दोस्तों हमारी यहाँ पे लेस आने वाली है। जैसे आप देखोगे लेस, अब लेस लगाने का तरीका कैसे होता है, या तो हम फ्रंट एक्स्ट्रा कटिंग करें या फिर हम पट्टी के साथ इनको लेस को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें फुल लेंथ के हिसाब से एक सीधी पट्टी कटिंग करनी है जिसकी चौड़ाई तकरीबन हमारी 1.5 इंच की होनी चाहिए। तो ये हमने 1.5 इंच की चौड़ाई वाली यहाँ पे पट्टी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे दोस्तों हमने लेंथ के हिसाब से दो पट्टी अपनी कटिंग कर ली है, एक इस साइड में आएगी और एक इस साइड में आएगी। और यहाँ पे इन पट्टियों को क्या करेंगे, आधा आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आधा इंच से आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। इस तरीके से इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लें और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच की तैयार करेंगे। तो ये मैंने आपको छोटा पीस दिखाया है सेट करते हुए। पूरी पट्टी की हम इसी तरीके से फिनिशिंग से फोल्ड लगाते हुए तैयार कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पट्टी हमने अच्छे से सेट कर ली है, इस साइड के लिए भी और इस साइड के लिए भी। एक मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि यहाँ पे हमें किस तरीके का डिजाइन तैयार करना है। ऊपर की साइड फ्रंट बैग में हमारा बोटनेक आ जाएगा और यहाँ पे जो सेंटर का हमने गैप रखा है, दोनों साइड में हम इस तरीके से पट्टी लगाएंगे और उसके दोनों साइड यहाँ पे बारीक जो लेस ली हुई है ये लगाएंगे। बहुत ही प्यारा सा हम यहाँ पे कुर्ती का डिजाइन आपको तैयार करके ये दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें और इसको समझे किस तरीके से पैचवर्क का बहुत सुंदर सा हम काम कर सकते हैं कुर्ती में। तो आइए अब मशीन के ऊपर चलते हैं और इसकी स्टिचिंग सीखते हैं। स्टिचिंग में सबसे पहले दोस्तों हमें साइडों की यहाँ पे पट्टी कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पे जो हमने निशान लगाया हुआ है इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे लेस को और फिर ऊपर से पट्टी रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। एक साइड में दोस्तों हमने इस तरीके से यहाँ पे लेस अपनी कंप्लीट की है पट्टी के साथ। अब हम इस पट्टी के दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से लेस को दबाते हैं। दोस्तों एक साइड में तो हमने यहाँ पे पट्टी के साथ ये लेस अपनी कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से हम पट्टी के साथ में लेस कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे मैंने एक साइड की पट्टी आपको लगा करके दिखाई थी, तो सेम हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से पट्टी लगाते हुए लेस अपनी कंप्लीट कर ली है। पूरा फ्रंट हमने यहाँ पे लेस और पट्टी के साथ तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल तरीके से नेक लाइन बनानी होती है। जैसे सिंपल गला बनाते हैं तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जो ये बोट नेक है, बोट नेक तैयार कर लेंगे। इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाएंगे और दोनों सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होती है पेपर पेस्टिंग का, जो हमने नेक लाइन कटिंग किया हुआ है इसके साथ साथ।
सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे क्वार्टर इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसको काट देते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से हल्के हल्के कट लगाएंगे। अब हम ये गले अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे, नीचे की साइड इस तरीके से, और ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे एक पैर चौड़ाई वाली। तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई अपनी लगाते हुए गला अपना कंप्लीट कर लिया है बोट नेक। अब हम बाहर की साइड भी यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं, जहां तक हमारी गले की बाउंड्री होती है ये वाली, इस पे भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे फ्रंट का बोट नेक सिंपल गला अपना तैयार कर लिया है। अब हमने सिंपल गला ही जैसे मैंने ये वाला तैयार किया है, बैक साइड में भी सेम इसी तरीके से तैयार करना होता है। तो दोस्तों हमने बैक साइड का भी सेम इसी तरीके से नेकलाइन तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ये शोल्डर से ज्वाइंट करने होते हैं, तो यहाँ पे फ्रंट बैक इस तरीके से रखेंगे, बैक नीचे की साइड और फ्रंट ऊपर की साइड, और जैसे नॉर्मल यहाँ पे अटैच किया जाता है सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे इनको अटैच कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों हमारी फ्रंट बैक की सेप इस तरीके से आ जाएगी जैसे सिंपल गले की आती है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड पैच लगाना है। ये जो पैच होता है ये कहीं से कट नहीं होता बीच से, इसलिए इस पैच को हमें शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद ही लगाना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक साइड में इसमें मोती है और एक साइड ये प्लेन है, जैसे आप देख पा रहे हो एक साइड में ये मोती है, तो मोती वाला पार्ट हम फ्रंट में रखेंगे और जो विदाउट मोती वाला है वह है बैक साइड के लिए। तो यहाँ पे ऐसे रख के देखते हैं तो ये बिल्कुल ओके है, मतलब बिल्कुल ठीक है। इसको सेट करेंगे इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे रखेंगे और इस साइड में ऐसे यहाँ पे रखेंगे, कहीं पे भी इसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए, और इस तरीके से रख के यहाँ पे सेट करेंगे। और ये हल्का सा जैसे बढ़ जाता है पीस, अगर बढ़ाना चाहो आप इसको तो ये खिंच जाता है इस तरीके से, ये हल्का सा स्ट्रेचेबल होता है क्योंकि जाली वाला नेकलाइन है ये। अब हम इसको लगाने की शुरुआत करेंगे, तो इसी तरीके से इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे सेट करते हुए। सबसे पहले हमें फ्रंट में सेट करना होता है,
ये सिलाई हमारी बैक साइड में आ जाएगी। जिस पॉइंट से दोस्तों हमने यहाँ पे शुरुआत की थी सिलाई की, उसी पॉइंट पे हमने सिलाई को पूरा किया है। अब मैं आपको ये पूरा पीस इस तरीके से दिखाऊंगा, ओपन करते हुए, सेट करते हुए फ्रंट बैग। अभी हमें बाहर की साइड और सिलाई लगानी है, इस पॉइंट पे सिलाई लगानी होती है, लेकिन पहले हमें चेक करना होता है। कई बार क्या होता है, कोई पीस हमारा कहीं से बड़ा छोटा हो जाता है, तो चेक करने के बाद तभी हम बाहर की साइड सिलाई लगाएंगे। तो ये फ्रंट बिल्कुल ठीक है, और बैक की बात करें तो बैक भी हमारी यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रही है, कहीं पे कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों अब हम बाहर की साइड भी यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने बाहर की साइड भी यहाँ पे अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है, और पूरा डिजाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है लेस के साथ और यहाँ पे पैच वर्क के साथ। बैक साइड भी यहाँ पे आपको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में आपको नजर आएगी यहाँ पे, जैसे देख पा रहे हो, और फ्रंट भी यहाँ पे बहुत प्यारा सा तैयार होगा। और पूरी जो शर्ट है हमने यहाँ पे लेस के साथ जो तैयार की है, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में मैंने यहाँ पे आपको बना करके दिखाई है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।